हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। तां अज दी पहली वड्डी खबर, नहीं होणगीआं 12वीं दीआं प्रीख्यावां, नतीजिआं दे ऐलान दी तैयारी। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि भरोसेयोग सूत्रां तों प्राप्त खबरां अनुसार केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड 12वीं दे बाकी विषयां दीआं प्रीख्यावां रद्द करन ते विचार कर रिहा है। CBSE बोर्ड दीआं आगामीआं प्रीख्यावां 1 तों लैके 15 जुलाई तक होणीआं हन, पर करोना दे तेजी नाल वध रहे मामलिआं नूं वेखदिआं बोर्ड ने यह फैसला मुड़ विचार कर सकदा है। तुहानूं दस दईए कि संभावना है बिना प्रीख्या दे ही स्टूडेंटां नूं पास कर दित्ता जाएगा। दरअसल जदों तालाबंदी शुरू हुई है करोना दे केस अज नालों बहुत घट सी, मौजूदा स्थिति बहुत डरावनी सी। जिथे करोना दे मरीजां दी गिनती बहुत तेजी नाल वध रही है, इसे कारण करके विद्यार्थी अते मापिआं दी चिंता भी वध गई है। कुछ मापिआं दे समूहां ने प्रीख्या रद्द करन बारे सुप्रीम कोर्ट विच पटीशन भी दायर कीती है। उन्हां दा कहना कि इस समय विद्यार्थियों की सुरक्षा सब तो महत्वपूर्ण है। अगली खबर, पंजाब दे विच अज 122 नवे करोना मरीज, संक्रमित मरीजों की गिनती 4000 तो पार हुई। तो दोस्तों पंजाब दे विच करोना वायरस का कहर फिर तो वधदा जा रहा है। अज करोना वायरस के 122 नवे केस सामने आए ने। सूबे विच करोना मरीजों की गिनती 4074 हो गई है। तुहानूं दस दईए कि करोना वायरस नाल फिरोजपुर तो एक मौत होने की भी खबर सामने आई है। सूबे विच करोना नाल मरन वालियां दी कुल गिनती 99 हो गई है। ते तुहानूं दसीए कि अमृतसर दे विच अज 4, जलंधर दे विच 6 ते लुधियाणा दे विच 54, पठानकोट तो 16 मामले सामने आए ने ते मोहाली दे विच 4, संगरूर तो 2, पटियाले दे विचों 3, फरीदकोट फतेहगढ़ साहब अते तरनतारन दे विचों 1-1 मरीज़, मुक्तसर दे विचों 2, कपूरथला दे विचों 3, हुशियारपुर दे विचों 7 ते रोपड़ दे विचों 5, नवांशहर दे विचों 2 ते गुरदासपुर तो 5 मरीज़ सामने आए ने। अगली खबर, ट्रैफिक पुलिस ते नौजवान ने चढ़ाई गड्डी, सब इंस्पैक्टर जख्मी। तो दोस्तों जलंधर के लोगों च पुलिस का खौफ घटता नज़र आ रहा है। एक बार फिर नाके ते मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ते एक नौजवान वल्लों गड्डी चढ़ाउण दा मामला सामने आया। तुहानूं दस दईए कि घटना जलंधर के माता राणी चौंक दी है। इस दौरान पंजाब पुलिस के सब इंस्पैक्टर भूषण कुमार जख्मी हुए हैं। फिलहाल नौजवान फरार चल रहा है। अगली खबर, भारत के विच करोना मरीजों की गिनती 4 लाख तो टप्पी, दिनों दिन बिगड़ रहे हैं हालात। तो दोस्तों करोना वायरस महामारी का पसार लगातार जारी है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अज सब तो वध 15413 नवे केसों का संक्रमित सामने आया। तुहानूं दस दईए कि मरीजों की गिनती 4 लाख के अंकड़े नूं पार कर गई है, जदों के 306 नवीं मौतों नाल मरण वालियां दी गिनती बढ़ के 13254 हो गई है। सिर्फ 8 दिनों के विच ही संक्रमित मरीजों का अंकड़ा 3 तो लैके 4 लाख हो गया। देश दे विच 12 जून नूं मरीजों की गिनती 3 लाख सी, जो कि 20 जून नूं बढ़ के 4 लाख तो पार हो गई है। देश दे विच संक्रमित मरीजों की गिनती 4,12,077 हो गई है। अमरीका, ब्राज़ील अते रूस तो बाद महामारी नाल भारत चौथा सब तो प्रभावित देश बन गया। अगली खबर, दिल्ली दे विच करोना दा विस्फोट, एको दिन दे विच आए 3630 नवे केस, कुल गिनती 57,000। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दे विच एक दिन दे नाल विच ही करोना वायरस दे सब तो वध केस आउण नाल संक्रमित लोगों की गिनती बढ़ के 57,746 हो गई है। अधिकारियों ने दस्या कि दूजी बार दिल्ली विच 3000 तो वध संक्रमण के मामले सामने आए ने। इस तो पहला 19 जून नूं 3137 मामले आए सी। अगली खबर, करोना दे नाल ही महंगे तेल की मार, 15वें दिन भी टुटे रिकॉर्ड। तो दोस्तों करोना वायरस संकट दौरान आम आदमी की जेब ते नित दिहाड़े बोझ पै रहा है। दरअसल कच्चे तेल दीआं कीमतां दे विच गिरावट के बावजूद भी पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां दे विच इजाफा जारी है। लगातार 15वें दिन तेल दीआं कीमतां दे विच वाधा कर दिता है। तुहानूं दस दईए कि दिल्ली दे विच पेट्रोल की कीमत अज 35 पैसे वध के 79.23 रुपए पैसे प्रति लीटर के हिसाब नाल विक रहा है। यह कीमत 1 नवंबर 2018 तो बाद हुण तक दी सब तो ज़्यादा है। इस तरह डीजल दे विच 60 पैसे दे वाधे दे नाल 78.27 रुपए प्रति लीटर हो गया। पिछले 15 दिनों दे विच पेट्रोल 7.97 रुपए प्रति लीटर अते डीजल 11.18 रुपए प्रति लीटर के हिसाब नाल महंगा हो गया। अगली खबर, रेफरेंडम 2020 वाले पन्नू ते देश द्रोह दा मुकदमा, सिख जवानां नूं फौज छड्डण लई भड़काया। तां दोस्तों रेफरेंडम 2020 दे संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू अक्सर देश विरोधी गतिविधियां नूं लै के सामने आउंदे ने। हमेशा किसी ना किसी मुद्दे ते सिखां नूं भड़काउण वाले पन्नू ने हुण सिख फौजियां नूं भड़काउण दी कोशिश की है, जिस नूं लै के उस ते मुड़ मोहाली पुलिस ने देश द्रोह ते
भारतीय फौज के जवानों उन्होंने देश विरुद्ध भड़काने लिए मुकदमा दर्ज कर लिया। केस दर्ज करने की प्रक्रिया सदर थाना कुराली दे विच हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को प्री रिकॉर्डिंग मैसेज मिले इस च पन्नू भारतीय फौज काम कर रहे सिख फौजियों भड़का रहा है। संदेश विच उसने सिख सैनिकों को कहा कि 1947 तो लैके हुण तक सिखां दा कतलेआम किया जा रहा है, अजिही स्थिति दे विच उन्हां नूं अपनी जान इस देश प्रति नहीं देनी चाहीदी। उसने उन्हां नूं भारतीय हथियारबंद सैना छड्डण लई कहा। पन्नू ने सिख सैनिकों नूं इत्थों तक लालच दिता कि उन्हां नूं भारतीय सैना च मिलण वाली तनखाह नालों 5,000 रुपए होर दिते जाणगे। अगली खबर, पंजाब वल आ गया मानसून, मिलेगी गर्मी तो राहत। पंजाब समेत उत्तर भारत दे विच इन्ने दिनी अत दी गर्मी पै रही है, इस कारण मानसून की शिद्दत नाल इंतजार हो रहा है। अजिहे दे विच दक्षण पछमी मानसून के अगले 3 दिनों च पंजाब दे विच मानसून पहुंचने की संभावना है। इस तों इलावा पंजाब दे नाल ही हिमालय खेत्र हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली ते गुजरात दे विच भी मानसून दस्तक देवेगा। मानसून की आमद दे नाल ही तापमान दे विच गिरावट आएगी, जिस नाल कहर की गर्मी तो लोगों को निजात मिलेगी। अगली खबर, वित्त मंत्री नूं LIC ना बेचण की बेनती। तो दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी फील्ड वर्कर ते दर्जा 3 मुलाजमां ते आधारित 3 यूनियन ने शनिवार को कहा कि LIC नूं प्राइवेट हत्थां च बेचण नाल अर्थचारे ते हासीए दे धक्के वर्गां उपर माड़ा असर पवेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नूं लिखे पत्र दे विच तीनों यूनियनां ने उन्हां नूं बेनती की है कि वह IPO की सलाहकार लाने के फैसले नूं वापस लवे ते उसचों सरकारी हिस्सेदारी कढ़ण दे फैसले की समीक्षा की जाए। यूनियनां ने आस जताई है कि सरकार उन्हां दीआं दलीलां ते संजीदगी नाल विचार करेगी। अगली खबर, किसानों हुण मिलणगियां 3 स्टार मोटर। तो दोस्तों, बिजली निगम ने किसानों नोटिस जारी किया कि उन्हां वल्लों लए कनैक्शन लई हुण 5 स्टार की थां 3 स्टार क्वालिटी दीआं मोटर लाईआं जाणगीआं। जो किसान इस नाल सहमत नहीं ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ SDO ਵਰਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 88 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, हरियाणा दे विच होणगे यूनीवर्सिटी अते कॉलेज विद्यार्थियों के इम्तिहान। तो दोस्तों, हरियाणा दे विच यूनीवर्सिटियां अते कॉलेजां दे विद्यार्थियों दीआं परीक्षावां होणगीआं अते बाकी क्लासां दे ईवन समेस्टर दे विद्यार्थियों नूं बिना इम्तिहान ही अगले समेस्टर दे विच प्रमोट कर दिता जाएगा। हरियाणा सरकार दे उचेरी सिख्या अते तकनीकी सिख्या विभाग वल्लों सूबे दीआं सारीआं यूनीवर्सिटियां अते वाइस चांसलर अते सरकारी प्राइवेट दे सैल्फ टाइटनेस कॉलेजां दे प्रिंसीपलां नूं इस संबंधी आदेश जारी किए गए ने। इस आदेश राही यूनीवर्सिटी दे विच ये भी कहा गया कि फाइनल क्लासां दे विद्यार्थियों दीआं प्रीख्यावां 1 जुलाई तो 31 जुलाई तक लै लईआं जाण। अगली खबर, सिद्धू दे घर दे बाहर पिछले 3 दिनों तो बैठी है बिहार पुलिस, पर नहीं मिल रहे सिद्धू। तो दोस्तों, साबका मंत्री अते कांग्रसी आगू नवजोत सिंह सिद्धू दे घर दे बाहर पिछले 3 दिनों तो बिहार पुलिस डेरे लाई बैठी है, पर सिद्धू का सुरक्षा अमला कोई राह नहीं दे रहा है। दसिया जा रहा है कि पुलिस ने कई बार सिद्धू के घर का दरवाजा भी खड़काया, पर कोई जवाब नहीं दिता गया। असल दे विच लोक सभा चोणां दे प्रचार वेले विरोधी धिर खिलाफ कीते इतराज योग प्रचार दे मामले दे विच बिहार दे बरसोई थाने दे विच सिद्धू खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले विच नोटिस देने लई आई हुई है, पर हुण तक सिद्धू नाल मुलाकात नहीं हो सकी, जिस कारण बिहार पुलिस दे कर्मचारी परेशान ने। अगली खबर, भारतीय फौज नूं मिलिया एमरजेंसी फंड, हथियार गोला बरूद खरीदन दी दित्ती छोट। तो दोस्तों, चीन दे नाल चल रहे सरहदी विवाद दे विचकार 3 रक्षा बलों नूं महत्वपूर्ण हथियारां ते गोला बरूद खरीदन लई प्रति प्रोजैक्ट 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सख्ती दित्ती गई है। यह हथियार अते असला पूरी तरह जां सीमित टकराव की स्थिति विच लोड़ींदे होणगे। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ANI नूं कि 3 सेवावां दे डिप्टी मुखियां दीआं जरूरतां नूं जल्दी पूरा करन लई 500 करोड़ रुपए तक दी वित्तीय सख्तियां फौज नूं दित्तियां गईआं ने। अगली खबर, मोदी सरकार दी इस योजना दे तहत 1,000 रुपए किराए ते मिलणगे घर, जाणो किस नूं मिलेगा फायदा। तो दोस्तों, गैर संगठित खेतरां दे विच कम करन वाले लोग जिवें निर्माण मजदूर, लेबर अते प्रवासी मजदूरां लई केंद्र सरकार जल्दी ही रेंटल हाउसिंग स्कीम लागू कर सकदी है। विद्यार्थी भी इस योजना दा लाभ लै सकणगे। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता वाली इस किफायती किराया आवास योजना के तहत वख-वख श्रेणियों लई 1 तों 3,000 रुपए प्रति महीना किराए उत्ते मकान मुहैया करवाए जाणगे। हाउसिंग मंत्रालय ने इस योजना लई 700 करोड़ रुपए का मुढ़ला अनुमान लगाया।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਹਾਂ ਗਿਆਤਾ ਪੰਡਿਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਛਡਾਉਣਾ, ਵਸੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਵਸੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਚ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 9147455।